हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल फार्मेसी स्टडी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों एंटी ट्यूमर। ये दोस्तों जो चैप्टर है वो हमारा फार्माकोग्नोसी से है, जो कि डीफॉर्म फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, जो कि डीफॉर्म फर्स्ट ईयर और डीफॉर्म सेकेंड ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो देखते रहिए शुरू से अंत तक। तो एंटी ट्यूमर, सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कैंसर क्या होता है। तो द ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट एंड क्योर्स ऑफ कैंसरस टिश्यूज, वो ड्रग्स जो किसके ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, कैंसरस टिशू, जो कैंसर वाले टिशू होते हैं या फिर ट्यूमर भी उनको बोलते हैं दोस्तों, उनको ठीक करने में जो ड्रग हमारी यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आर नोन एज एंटी ट्यूमर ड्रग्स। वो हमारी एंटी ट्यूमर ड्रग्स कहलाती हैं। तो एंटी ट्यूमर ड्रग क्या होते हैं, वो ड्रग जो कैंसरस टिशू के इलाज में, उसको ठीक करने में यूज होती हैं, वो हमारी एंटी ट्यूमर ड्रग कहलाती हैं। कैंसरस इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। जो कैंसर होता है दोस्तों, वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है न्यू टिश्यू की, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड होने लगती हैं बॉडी के किसी भी पार्ट में। इट इज कार्सिनोजेनिक, और ये कार्सिनोजेनिक होता है। दिस डिसीज इज इनक्योरेबल इन द सेकेंडरी स्टेज, कहने का मतलब है ये जो बीमारी होती है दोस्तों, ये सेकेंडरी स्टेज में इनक्योरेबल हो जाती है, मतलब वो ठीक करना उसको बहुत ही कठिन हो जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर आर रिपोर्टेड लाइक हॉटकिंस डिजीज, ये सब कैंसर के नेम है दोस्तों, हॉटकिंस डिजीज, ल्यूकीमिया, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, और भी बहुत सारे कैंसर होते हैं दोस्तों। वेरियस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, मेटल कंपाउंड्स एंड कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू क्योर कैंसर। कैंसर को ठीक करने के लिए बहुत सारे हमारे रेडियो सब्सटेंसेस और मेटल कंपाउंड और कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स इसमें यूज होती हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं दोस्तों ड्रग, द फॉलोइंग प्लांट्स आर रिपोर्टेड एज एंटी ट्यूमर ड्रग्स। एक तो दोस्तों इनसे हमारा एंटी ट्यूमर ड्रग निकलते, इसको कॉल्चिकम है, विंका है और पोडोफाइलम है। इस चैप्टर में हमको विंका हमारे सिलेबस में दिया गया है, तो विंका पढ़ना है। चलिए विंका के बारे में देख लेते हैं फटाफट। तो ये दोस्तों है हमारी विंका, VINCA, विंका, सिनोनिम्स विंका रोजिया इसको कहते हैं। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स वो होता है दोस्तों जहाँ से ये प्राप्त होता है। तो इट इज़ अ ड्राइड होल प्लांट, ये सूखे पूरे प्लांट से, मतलब इसका जो प्लांट होता है ये पूरे प्लांट से निकलती है, ऑफ कथारेंथस रोजियस नामक, ये पूरे सूखे प्लांट से निकाली जाती है। फैमिली क्या है इसकी, एपोसाइनेसी इसकी फैमिली होती है। जियोग्राफिकल सोर्स इसका क्या होता है, कहाँ ये पाई जाती है, जियोग्राफिकल सोर्स में हम ये बताते हैं कि ये कहाँ पाई जाती है। तो दिस प्लांट इज कल्टिवेटेड एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट एंड फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक, कहाँ ये पाया जाता है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, ईस्टर्न में, यूरोप, साउथ फ्लोरिडा, इंडिया और ताइवान में एंड थाईलैंड में। मॉर्फोलॉजी इसकी क्या है दोस्तों, तो ये जो इम्पोर्टेंट होता है वही हम पढ़ेंगे दोस्तों। इसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह बहुत कम पूछी जाती है, तो आप लोग ये नोट्स के तौर पे पढ़ना दोस्तों, पढ़ लेना उसके बाद। तो मॉर्फोलॉजी में उसका हम प्लांट के बारे में बताते हैं। द प्लांट इज वुडी, प्लांट कैसा होता है हमारा, लकड़ी वाला वुडी होता है, एट बेस एंड 0.4 to 0.8 मीटर इन उसकी हाइट होती है, इतनी 0.8 to 0.8 मीटर। द लीव्स आर ग्रीन, लीव्स जो होती हैं पत्तियां हरी होती हैं। रूट्स आर पेल ग्रे, जो जड़ें होती हैं वो पेल ग्रे होती हैं। फ्लावर्स आर वायलेट
पिंक वाइट और कारमीन रेड इन कलर द ऑर्डर इज करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है एंड टेस्ट इज बिटर, टेस्ट इसका कड़वा होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेन होते हैं दोस्तों, तो ये देखेंगे हम इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो कैथारेंथस कंटेन्स टर्पीन्स एंड मोर देन 100 डिफरेंट एल्कलॉइड्स, इसमें 100 से ज़्यादा एल्कलॉइड्स होते हैं और इसमें टर्पीन्स होता है दोस्तों। एल्कलॉइड आर ऑफ इंडोल, एल्कलॉइड कौन कौन से होते हैं, इंडोल है, डाई हाइड्रो इंडोल हो गया एंड डाइमेरिक टाइप द इंडोल और डाइहाइड्रोइन डोल डेरिवेटिव्स आर अजमा अजमालिसिन है, टेरा हाइड्रो एल्स्टोनिन है और सरपेंटीन एंड लॉकनेरिन ये दोस्तों होते हैं इसमें। द डाइमेरिक एल्कलॉइड्स आर एक्टिव अगेंस्ट मलिग्नेंट ट्यूमर, और जो हमारा डाइमेरिक एल्कलॉइड होता है वो मलिग्नेंट ट्यूमर के अगेंस्ट एक्टिव होता है, नेमली विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। यूजेज इसके देख लेते हैं लास्ट में, विंका इज यूज इन कैंसर एंड हाइपरटेंशन, जो विंका हमारी है वो कैंसर में और हाइपरटेंशन में यूज होती है। द विनक्रिस्टिन इज यूज इन ल्यूकीमिया, और जो विनक्रिस्टिन होता है वो दोस्तों ल्यूकीमिया में यूज होता है, वाइल विनब्लास्टिन इज यूज इन हॉटकिंस डिजीज, और जबकि हमारा विनब्लास्टिन होता है वो हॉटकिंस डिजीज में यूज होता है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया दोस्तों, आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।